ये क्वेश्चन जे एडवांस 2016 पेपर वन में आया है। आसान क्वेश्चन है, आपके ऊपर है कि आपको कितना टाइम इसमें बचाना है। थोड़ा बहुत भी जिन लोगों ने यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन किए हुए हैं उनसे इजीली बन सकता है, बस ये है कि आप टाइमिंग कहाँ पे बचाना है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा टाइम लूँगा। लेंथ दी है मतलब मीटर, लेंथ की सिंपली क्या होती है मीटर। और इस क्वेश्चन में अंदर परमिटिविटी, मुझे बताओ परमिटिविटी कहाँ आती थी। एफ इक्वल टू 1/4πε₀Q1Q2r² तो हम लोग कहीं ना कहीं इसमें एप्सिलॉन किसके इक्वल लिख सकते हैं, बोलो 4π को हटा दें तो एफ आर स्क्वायर अपॉन, बताओ यहां पे परमिटिविटी लिख रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर। और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी। केबी याद है क्या होता था, 3/2 नहीं सॉरी एनर्जी होती थी 3/2 kT, तो के हो जाएगा एनर्जी। एनर्जी क्या थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, ये लिख सकते के की जगह हम लोग। और क्या दिया है, नंबर एन दिया है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब कितना हो गया 1/r³, ये लिख सकते हम लोग। चार्ज का तो क्यू है, क्यों क्यों रहने दो इसमें। कैरेड ईच ऑफ द पार्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एक्सप्रेशन फॉर एल इज आर डायमेंशनली करेक्ट, इनमें हमें रिलेशन देखना है। हमारे पास एक तो है कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी पावर ए, इसकी पावर जो जो आपको दिए हैं सबकी पावर एक्स वाई जेड मानते जाओ और सबको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, एक तो ये भी तरीका हो सकता है। दूसरा इनकी वैल्यू कैलकुलेट करो। लेकिन यदि इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो तो कुछ पैरामीटर सभी के लिए कॉमन है, कौन सा, q² / εkBT, q² / εkBT, q² / εkBT, f² / εkBT, ये चारों में कॉमन आ रहा है तो क्यों ना मैं इसको अलग से कैलकुलेट करूं q² / εkB × t। इसको कैलकुलेट करते हैं, q² को q² रहने दो, एप्साइलन किसके इक्वल आया है q² f r² ऐसे ही कर रहा हूं मैं, तो डायमेंशन भी चाहो तो निकालना है तो निकाल लो इसकी, f r² kb किसके इक्वल लिखा हमने f r × t और ये t से t कैंसिल, f से f कैंसिल, q² से मतलब ये आ रहा है r, तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है L। अब हम एक एक करके इसको चेक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन वन, L इक्वल टू इसमें वैल्यू पुट करो, N क्या होता है, N की वैल्यू अपन लोगों ने देखी है 1/L³ और इसकी वैल्यू कितनी आई है L, तो आप मुझे बताओ L से L कैंसिल 1/L आ रहा है और अपन को चाहिए क्या है L, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। अब मैं यहां पर यदि B की बात करूं तो B में क्या होगा L इक्वल टू, देखो जरा कहां A है, इसमें ये उल्टा दिया है मतलब ये हो जाएगा 1/L क्योंकि q² इसकी वैल्यू L आई है, तो इसमें 1/ n क्या है 1/r³, तो यहां पे ये l³ ऊपर पहुंचेगा, एक l से l कैंसिल, l² बाहर आएगा l, और ये करेक्ट है, यस ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब यदि मैं बात करूं c वाले ऑप्शन की तो c के अंदर देखो ध्यान से, c में देखो क्या है q² मतलब q² ऊपर है तो इस तीनों की जगह क्या लिखें हम l अपॉन n की पावर 2/3, तो n की पावर 2/3 करोगे तो कितना हो जाएगा n 1/L, तो इसके क्या करना है 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा l², तो ये अपने आप में क्या आ रहा है, क्या ये आएगा नहीं, ये आ रहा है 3/2 l की पावर, ये ऊपर पहुंचेगा क्यूब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2, ये वाला भी गलत हो गया। यदि मैं यहां पे डी वाला ऑप्शन से चेक करूं तो डी वाले में क्या दे रखा है एल इक्वल टू q² / εkBT की वैल्यू कितनी है यहां पर, कहां देखिए ये देखिए एल अपॉन एन की पावर 1/3, एन की पावर 1/3 करोगे तो 1/L आएगा और ये ऊपर जाएगा l² हो जाएगा
और रूट से बाहर L, मतलब डी वाला आंसर भी सही है। तो इसके आंसर कौन कौन से हो जाएंगे, बी एंड डी, ये आंसर होगा इसके। नोट करिए, आसान क्वेश्चन है।